पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां मैच कराची किंग्स 187 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम हो गई। मुल्तान सुल्तान्स ने हरीफ टीम को 134 रन पर ही ढेर करते हुए बआसानी हरा दिया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर मोइन अली मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान सुपर लीग के मुल्तान में होने वाले दूसरे मैच के दौरान कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करते हुए शान मसूद 11 को बैटिंग की दावत दी। मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से इनिंग्स का जारहाना आगाज मोइन अली और विकेट कीपर बैट्समैन जिशान अशरफ ने किया और विकेट के चारों अतराफ शॉट्स खेले। 5 ओवर्स में 31 के मजमू स्कोर पर विकेट कीपर बैट्समैन 13 गेंदों पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि मोइन अली ने 42 गेंदों पर 65 रन की इनिंग्स खेली और मैन ऑफ द मैच करार पाए। 140 के मजमू स्कोर पर रेले रोसो 8 स्कोर्स बनाकर मोहम्मद आमिर का निशाना बने। 1 डाउन पर आने वाले शान मसूद ने भी जबरदस्त इनिंग्स खेली और 42 गेंदों पर 61 रन स्कोर किए। रवि बोपारा 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर क्रीज छोड़ गए, जबकि खुशदिल शाह 10 रन बनाकर जॉर्डन की गेंद पर आउट हुए। इस तरह मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्रा ओवर्स में 186 रन बनाए। हदफ के ताकुब में कराची किंग्स की टीम बेबस नजर आई और 134 रन पर ही ढेर हो गई। इमरान ताहिर ने 3, आफरीदी और सुहेल तनवीर ने 2-2, जबकि मोइन अली, मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इरफान ने 1-1 विकेट हासिल की। It's another boundary.